मैं समझना अगर सही तरह मैनेज किया जाए ना 30 to 40% प्रॉफिट है, जी जी और अगर तुसी 1 करोड़ रुपया लगाओगे जी जी तो तुसी एंड ऑफ ईयर जड़ा ना जी जी तकरीबन वो टोटल टाइम 9 मंथ होंगे जी जी तकरीबन कोई पहले सूबे को लेट सूबे साल दे विच तुहानू तकरीबन 30 to 40 लाख रुपया प्रॉफिट मिलेगा। 30 to 40 ऐसे फिर प्रॉपर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हैगी है ना। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स एसएलएससी मौजूद हैं बाजवा डेयरी फार्म लूडन रोड फुल मोशन शाह जिला व्याड़ी। बाजवा डेयरी फार्म से एक वीडियो असी पहले भी अपलोड की थी कि इतने तकरीबन 250-300 जानवर मौजूद है और इस फार्म के उत्ते 4-5 साल तो झोटी फार्मिंग की जा रही है ब्रीडिंग। ਝੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰੀਡਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੀ ਝੋਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਝੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ 7-7, 8-8, 10-10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਬਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਓਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਝੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ तो किस तरह लेके चलता है, इस मुश्किलात केड़ी केड़ी ने, मसाइल केड़े केड़े ने और इन्हां दी टिप्स की ने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अपना थोड़ा जना इंट्रोडक्शन करवा दे। सर मेरा नाम खिजर बाजवा है जी जी और मेरी ये फार्म है यहाँ पे विहारी सिटी के बिल्कुल साथ लुडन रोड पुल मोहसिन शाह पे। जी जी पुल मोहसिन शाह से जस्ट लाइक 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुल मोहसिन शाह। जी जी सर पंजाबी ठीक नहीं रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी। जी जी और सर कितना अरसा हो गया है इसनों झोटी फार्मिंग दे विच बाजवा फार्म नो? ऑलमोस्ट 3 साल हो गए ने। अच्छा 3 साल तो तुसी झोटी फार्मिंग दा बिजनेस कर रहे हो? झोटी फार्मिंग दा बिजनेस। तो वैसे इस काम नु स्टार्ट कीते ते फिर थोड़ा खानदानी काम? वैसे लाइक बाप दादे तो जेड़ा ना मज्जां रखना वैसे शौक हैगा जट्टां नु। अच्छा अच्छा वो असी भी रखी हुई ने, कोशिश कर दी कि अच्छी मज्जां रखी हो, लेकिन उन्होंने एज ए कमर्शियल बेसिस से लास्ट 3 साल तो पिछले तो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर असी गल करेंगे कमर्शियल बेसिस ना झोटी फार्मिंग दी, बाकी चीजें जो बाद डिस्कस होनी है। सर अगर इसको एज ए कमर्शियल लिया जाए झोटी फार्मिंग में एक किस तरह का बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है या कि एवं ही गल्ला ही है? नहीं मेरी जो कैलकुलेशन है उन्दे कि 30 to 35% जेड़ा ना इन्दे प्रॉफिट हैगा। जी जी अगर तुम ये कहो कि इन्हें कोई तुम डबल या ट्रिपल करोगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक कांस्टेंट प्रॉफिट तो 35% तक। सर 35% भी तो बड़ा है ना, अगर 2 लाख का जानवर ले तो 70,000 प्रॉफिट आ जाए तो थोड़ा तो नहीं? हाँ इन्ना प्रॉफिट है, मतलब डायनामिक्स थोड़े जे चेंज हो गए ना। हूँ पहले छोटी जी आज तो 2 साल पहले 75,000 की आती थी, उन्हें तो 60,000 थोड़ी कॉस्ट आती थी, तो 140-150, 1.5 लाख तक पै जाती। तो झोटी तुसी बहुत घट प्राइस से भी बेचते हो सो 2.5 लाख तो 2.5-3 लाख तक बिक जाती है। जी जी पौने तीन क्योंकि चीज़ों की प्राइसिस बढ़ गई ने, वंडा वगैरह भी महंगा हो गया, मकई महंगी हो गई, डबल प्राइसिस हो गए, उन्होंने थोड़ी कॉस्ट ज्यादा हो गई है। लेकिन सर अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई है तो फिर प्राइस सेल प्राइस भी तो आई है, वो भी तो मई की प्राइस भी ज्यादा हो गई है। जी जी जेडी मई जगह 2.5 लाख थी 2.5-3 लाख थी सी, वो 4 लाख 4.5 लाख से चली गई है। जी जी सो ओवरऑल देयर इज कोई डाउट नहीं है कि जेड़ा ना तुसी जी जी 30-35-40% तक प्रॉफिट बना लेंगे। इट डिपेंड्स करता है कि तुसी किवें मैनेज करदे हो ना। अच्छा लाइक यह जेड़ा शेड बनाने का एक गोल एंड गोल ये सी कि इन्दे च घट तो घट लेबर यूज होए। तुसी देखो पानी दी टैंकियां बनाई हुई ने, अच्छा इन्हों का जरा बंडा वगैरह डालन का एक प्रॉपर सिस्टम है। जी जी इतने बहुत लोअर जो असी लैवल से जरा मैनेजमेंट हैगी है ना। अच्छा, अच्छा साढ़े को जी लेबर है बहुत 4-5 बंदे ने जरा सारा मैनेज कर लेंगे। अच्छा अच्छा तकरीबन 250-300 जानवर है। हाँ जी हूँ 5 बंदे ने इन्होंने मैनेज कर रहे हैं। अच्छा 5 बंदे कर 5 बंदे ने, ना उन्होंने बनना पैंदा ना उन्होंने खोलना पैंदा। अच्छा। पानी जानवर खुद पींदे ने, नाल ओ तालाब बनया होया है। अच्छा। शाम एक दफा आउंदे ते एक दो दफा लै जांदे ने।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਜ ਕਿਤਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਲਿਜ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਸਭ ਚਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਪੱਠਾ ਘੱਟ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੇਜ 50-50 ਪੱਠਾ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ 50 ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 25% ਜੀ ਜੀ 75% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੱਠਾ ਪਾਈਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲਿਜ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਡਾ ਔਰ ਸਭ ਚਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 250-300 ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤਨੀ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਰਬੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਕਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਔਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੈਲੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਏਕੜ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਏਰੀਆ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 110-120 ਮਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਲੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 110-120 ਮਨ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਸੈਲੇਜ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 500-600 ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਮਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੱਠੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਮਾਦ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੁਮਾਦ ਕੋਈ 5-6 ਏਕੜ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੁਮਾਦ ਵੀ ਐਡ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਫੂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 80% ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, 300-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦੇਈਦੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਲੇਜ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੰਕਰ ਸੈਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਕ ਕਰੀਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਲਵੋ ਆਉਂਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੂਨੋ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਨਵਰ 1-2-10 ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਾਨਵਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਬ੍ਰੀਡ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਕੈਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 4 ਬੁੱਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨ ਬੁੱਲਸ ਕੋ ਹਰ ਬੁੱਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-15-20 ਬੱਚੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 50% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ। 90% ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨਗੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਲਈ ਝੋਟੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ, ਕੀਮਤ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਝੋਟੀ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਝੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ 160 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1,60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,90,000 2,00,000 ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1,20,000 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ,
लेकिन जी अच्छी क्लास की झोटी है ना उनकी एवरेज प्राइस 1,80,000 तक है। अच्छा सर 1,20,000 वाली झोटी और 1,60,000-1,70,000 वाली झोटी जो तैयार होंगे ने उन्होंने प्रॉफिट रेशियो बराबर होंगे या महंगी झोटी प्रॉफिट ज्यादा होंगे? महंगी झोटी प्रॉफिट ज्यादा होंगे, कंपेरिजन ही कोई नहीं है। महंगी झोटी का कस्टमर ज्यादा होंगे। अच्छा महंगी झोटी की प्राइस ज्यादा होंगी है मोस्ट लाइकली ये होंगे कि उनकी दुध दुध के वाइज खूबसूरती ऑर्डर उनका पुट्ठा उनका शेर चीज मतलब हर साइड तो यूनिक होंगी। ओ बिल्कुल खूबसूरती तो पहले ही देखी होंगी है जी जी। बाकी पिछे तो रह जाता उनका ऑर्डर है ना जी जी। तो मोस्ट लाइकली जी अच्छी झोटी होंगी उनका ऑर्डर 80% अच्छा ही होंगे। हाँ दुध की पैदावार भी सही होंगी और उसका कस्टमर ज्यादा होंगे जी उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे बिल्कुल। और झोटी इजीली बिक जाती है अच्छी झोटी हम साढ़े को झोटी जी आम झोटी जो लोग बेचते सन 3 लाख की बेच रहे सन असि उदो भी 3.5-4 लाख बेच दिए सन क्योंकि साढ़े को पहले झोटी अच्छी असि झोटियां लिया अच्छी सन तो उनकी प्राइस भी अच्छी। अच्छा सर मार्केटिंग का जरा मार्केटिंग हवाले दसो मार्केटिंग किस तरह करते हो? मार्केटिंग एक तो यह है कि असी जिमें माशाल्लाह चैनल है इन्हें साड़ी बड़ी हेल्प की थी है जी जी। आई मीन हूँ मेरे थोड़े चैनल से मैं अगले दिन देख रहे हैं असं एक मेरी जी तुसी डाली हुई सी उन्हें कोई 7 लाख व्यूवर्स है जी जी लाइक अनबिलीवेबल है ना जी जी। तो मेरा ख्याल है थोड़े तरह एक बंदा ही मिले हो तो काफ़ी है वैसे तो लेकिन ये भी कि फिर एक गुडविल हैगी है एरिए तो लोग जानते हैं एक 3 साल तो एक अच्छा एरिया हो गया है जी जी। सोशल मीडिया ते थोड़ा जा एडवरटाइज कर दे दिया जी जी। ते मतलब है कि इलाके दे विच भी सेल है वे और सोशल मीडिया दे उते भी काफी है। अगर किसी ने मतलब है कि सोशल मीडिया दे उते है कि थोड़ा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेल है। मेरा ख्याल है जेड़ा पिछली वीडियो तुसी बनाया सी उंदी वजह तो साडी आई बिलीव 60% जेड़ा कस्टमर साडा सी ना वो यूट्यूब दी वजह तो आया सी। अच्छा अच्छा चलो जी ये तो फिर अच्छा हो गया ना असि भी किसी थोड़े काम आ ना डेफिनेटली इंदे कोई शक नहीं हैगा जी जी एक अच्छा सोर्स है जी जी। सर झोटी फार्मिंग दे विच क्योंकि तुसी इस नु ऐ दे बिजनेस लेके चल रहे हो कमर्शियल लेके चल रहे हो जी जी। ते वैसे भी तुसी माशाल्लाह यूएसए दे सिटीजन हो। अच्छा झोटी फार्मिंग दे बिजनेस दे विच एक तो तुसी क्लियर कर दिता कि अगर ये अच्छी झोटी होवे ते ये काम मुनाफा बख्श है बिल्कुल इस उते कोई दूसरी राय नहीं। अगर तुसी झोटी महंगी लवोगे और थोड़ी महंगी सेल होगी उनदे प्रॉफिट भी ज्यादा बिल्कुल सही। सर इन थोड़े मसाइल दस दो लेबर का मसला जड़ा है ना वो तो कह दिता जी 250-300 नू कोई 5 बंदे मैनेज कर रहे राइट बाकी कोई मसाइल इतने कि मसाइल आ रहे? दो तीन चीजा का तुम ख्याल रखना चाहिए कि तुसी जो भी शेड बनाओ जी जी मेक श्योर करो कि तुसी शेड जड़ा है ना उन्होंने एक प्रॉपर उनका डिजाइन सही बनाया हो जिम्मे आप बरामदे है इन्हों की विड्थ जी एक मुनासिब होनी चाहिए लाइक इस वाले चौड़ाई ये जो 22 जरा ना फुट है। अच्छा 22 फुट चौड़ाई है एक साइड दी जी जी। हूँ गर्मियों होने या सर्दियों होने जरा ना इन फर्क नहीं पैंता फिर इतने तुम देख रहे हो स्मैल नहीं आ रही जी जी। तीसरी जी छत डालने का मकसद यही है कि क्रॉस वेंटिलेशन उनकी वजह से इतने कोई स्मैल नहीं आती है। हाँ जी जी बाकी है कि फैन लगाए हुए हैं इलेक्ट्रिक जी जी इनकी वजह तो अगर कोई मखर मच्छी मक्खी मच्छर जो है ना उनके तो काफी बचत होंगी है कुछ मेस दिन होंगे ने जैसे जुलाई अगस्त है उनके हबस ज्यादा होंगी है फैन हेल्प कर देने जी जी। दो तीन चीजें सर पहली चीज होगी कि तुसी शेड अच्छा बनाना शेड अच्छा खुला होवे हवादार होवे उन दिस प्रॉपर अगर थोड़े को पंखे का निजाम हो जावे तो जानवर गर्मी में बड़ा सोखा रहना। दूसरी चीज दसो दूसरी चीज जी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली लोगों नु जिन्ना ने मेरी अक्सर लोगों ना गल हुंदी है जी जी वो इस बिजनेस ते चिते हैगे ने जी जी लेकिन जदों माई दी पहचान करनी है जानवर के किस तरह दा होना चाहिए जी जी। मैं बहुत घट लोग ऐसे देखे ने जिहड़े बड़े बड़े नॉलेजेबल होंदे ने तो उनकी बेसिक का पता होना चाहिए कि मझ की खूबसूरती तो की मुराद होंदा है ना जी जी। मतलब अच्छी मझ केड़ी होंदी हां एक बहुत सारे लोग ने मतलब उन्होंने गप्पशपां फेरी होंदियां ने लेकिन बहुत घट लोग देखे ने जिन्होंने एग्जैक्टली पता होंदा है कि खूबसूरत मझ किवें दी होनी चाहिए। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट वो हैगी वैक्सीन जी जी वैक्सीन वैक्सीन तुहानूं टाइम ते लगवानी चाहीदी है जी जी। और कोशिश करो कि तुसी वैक्सीन डिपेंड ना करो सरकारी हॉस्पिटल दे। मैं एक साल डिपेंड किया सी ते मैनूं बड़ी उंदी हाई प्राइस पे करनी पई सी वैक्सीन सही नहीं सी एक्सपायर होई हुई सी या की वजह सी जानवरां नूं प्रॉब्लम हो गया सी। कोशिश करो कि वैक्सीन तुसी खुद लो जी जी और इंपोर्टेड वैक्सीन लो किसी अच्छी कंपनी दी और उन्हों खुद लगवाओ
थोड़ी जी कास्ट थोड़ी हाई होएगी, एडा कोई खास फर्क नहीं पैंदा, लेकिन ये वे के तुसी जेड़ा ना बीमारी तो बचे रहोगे। दो वैक्सीन ने जेड़ी मज नु ना एडे को प्रॉब्लम्स नहीं आंदे एज लॉन्ग एज तुसी उन्होंने दो वैक्सीन जेड़ियां ने मुंह खोल दी ते दूसरी जेड़ी कल कोठू दी लगवाई होवे टाइम से, तो दूसरे एडे खास प्रॉब्लम नहीं आंदे इन्हां नु, बाकी प्रॉब्लम नहीं आंदे। हाँ, एक चीज होर ख्याल रखोगे, तुसी जिथे जानवर रखे हुए ने जी जी, वो जानवर नु स्पेस दे हिसाब नाल रखो ना जी जी। अगर तुसी थोड़ी स्पेस से ज्यादा जानवर रखोगे, जानवर एक दूसरे नाल लड़नगे भी, उन जख्मी भी होंगे जी जी, ते प्रॉब्लम्स होएगा जी जी। सो तुसी मेक श्योर के जेड़ा ना जानवर, मतलब उन्ने के जानवर पाओ जिन्ना थोड़े कोल एरिया दे हिसाब नाल जी जी। अगर तुसी वो ज्यादती करोगे तो तुहानू प्राइस पे करनी पेगी, वो जानवर कोई ना कोई जख्मी होएगा, एक दूसरे नाल मारनगे जी जी जी, नुकसान होएगा। सर तालाब दे हवाले नाल तुसी की कहना चाहोगे? तालाब जरूर होना चाहिए, तालाब लाजमी जिमें, हाँ जी जिमें फिश पानी तो बगैर नहीं रह सकती है, मज भी नहीं रह सकती। अच्छा, मज वास्ते तालाब बहुत जरूरी है जी जी। जो तुसी उन्होंने लेके जाते हो उत्थे थोड़ा जा रिलैक्स हो जाती है, उन्होंने जरा खान का बिहेवियर चेंज होंगे जी जी, और जानवर खुश रहता है, स्ट्रेस च नहीं आता है जी जी, और उनका जरा ना डाइट भी अच्छी रहती है जी जी। सर मैं चीज़ को कंक्लूड करता जावां, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कि तुसी कह रहे हो कि इसे 35 to 40% इस प्रॉफिट मार्जिन जी। अगर तुसी तुहानू ये बिजनेस तुहानू पता है कि अच्छी चोटी किवें लैनी है जी जी, और उनकी जिहड़ी है ना तुसी कॉस्ट किवें मैनेज, मैं समझना अगर सही तरह मैनेज किया जाए ना 30 to 40% प्रॉफिट है जी जी। और अगर तुसी 1 करोड़ रुपया लगाओगे जी जी, तो तुसी एंड ऑफ ईयर जेड़ा ना जी जी तकरीबन वो टोटल टाइम 9 मंथ होंदा जी जी, तकरीबन कोई पहले सूबे को लेट सूबे साल दे विच तुहानू तकरीबन 30 to 40 lakh rupees प्रॉफिट मिलेगा। 30 to 40 ऐसे फिर प्रॉपर्टी दे नाल ही बिजनेस है। बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उनदे मोस्ट इंपोर्टेंट जेड़ी चीज हैगी है ना जी जी, तुसी थोड़े जानवर ले लो लेकिन कंप्रोमाइज क्वालिटी दे कंप्रोमाइज नहीं करना। हाँ जी जी, क्योंकि तुहाडी एक छोटी जेड़ी है ना वो अगर माड़ी है तो 3 लाख दी विकनी है, तो अगर अच्छी होए तो 10 लाख दी भी विक सकदी जी जी। ठीक हो गया। हां जी, हुण मेरे को इत्थे छोटियां हैगियां ने पहले ने जी जी, वो 10 लाख दी नहीं मैं बेच रहा जी जी जी। हां जी, सो क्वालिटी दी गल है ये जी जी जी। सर बहुत शुक्रिया, थोड़ा नंबर स्क्रीन ते दे रहे हैं, अगर किसी दोस्त नु कोई मालूमात चाहिए होवे या किसी दोस्त ने कोई जानवर खरीदना होवे, वो थोड़ा रابطہ कर लेगा जरूर एनी टाइम।